press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट जलेबी, इंस्टेंट क्रिस्पी जलेबी की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लार लिया हुआ है, मैदा लिया हुआ है 1 कप, और उसके अंदर मैंने 1 दिन पुराना दही लिया हुआ है। तो ये 1.25 कप मैंने दही लिया हुआ है, जितना हमें गूंदने में लगेगा, बैटर में यूज़ होगा उतना, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.25 कप लिया हुआ है। यहाँ पर लगेगा 1 टीस्पून घी जाएगा इसके अंदर, और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नहीं है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है यहाँ पर। और मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है जलेबी, तो यहाँ पर मैंने सिरप के लिए लिया है 1 कप शुगर, 1/2 कप वाटर, 1 टीस्पून लेमन जूस, नींबू का रस, और फूड कलर लिया है, पिंच ऑफ फूड कलर, आप येल्लो लीजिए अगर येल्लो है तो, ऑरेंज लीजिए ऑरेंज है तो इसमें लगेगा 4 टेबल। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसके अंदर कर्ड डाल दूंगी ये दही, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये घी, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और इसे लम्स फ्री हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। अब मैं इसको क्या करना है, ये इसको, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पानी लगेगा। अगर आप दही यूज करना चाहते हो तो पूरा प्लेन दही यूज कर लीजिए, तो 1 कप आपको दही लगेगा। ये देखिए, बस इतना सा पानी और मैंने लिया हुआ है, बस थोड़ा सा ही लिया हुआ है मैंने, तो 2 टेबलस्पून के करीब में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे, ये बैटर को एकदम पतला नहीं करना है, अगर पतला करोगे तो फिर दैन जलेबी हमारी सही नहीं बनेगी, तो हमें थोड़ा इसे घट ही रखना है, थोड़ा थिक ही रखना है हमें। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अभी। तो अभी मैं इसके अंदर ये फूड कलर डाल दूंगी, और उसके साथ में बेकिंग पाउडर, और इसे एक अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। ज्यादा मिक्स नहीं करना है, बेकिंग पाउडर डालने के बाद में हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इतना मिक्स करना है कि ये अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए, बेकिंग पाउडर और जो कलर है वो अच्छे से मिल जाए, बस इतना ही इसको मिक्स करना है। ये देखिए, ये हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, अभी इसको मैंने रख दिया साइड में, और अब मैं क्या करूंगी, मैं शुगर सिरप बना लूंगी। अभी पानी डाल देंगे, शुगर मैंने डाल दिया है, और उसमें डाल देंगे हम लेमन का जूस 1 टीस्पून। इसे मैं रख दूंगी गैस पे अभी। यहाँ पे देखिए, आपको बबल्स ऑटोमेटिकली दिखेंगे, यहाँ पर बबल्स आना चालू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स क्यों हमने इसमें दही यूज़ किया, दही और इसके अंदर बेकिंग पाउडर मिलते हैं तब जाके ये ऐसा होता है। तो ये अच्छे से हो गया, अभी इसे रखना नहीं है। देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पाइपिंग बैग लिया हुआ है, उसको ग्लास में मैंने डाला हुआ है, तो मैं ये इसके अंदर डाल दूंगी। अभी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। आप चाहो तो घी से भी इसको फ्राई कर सकते हो, बट मैं ऑयल से कर रही हूँ। तो ये मैं इसको भर दूंगी अच्छे से, एंड देन फिर आपको फ्राई करते टाइम दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये जलेबी। ये देखिए, ऑटोमेटिकली फूल के इतनी बड़ी हो रही है। इसे मैं दोनों तरफ से पका लूंगी, जब तक ये क्रिस्पी हो जाएगी तब तक ऑलमोस्ट 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक तरफ से कुक हो गई है, तो मैं इसे पलट देती हूँ, बस 1 ही मिनट। और इसका टेक्सचर देखिए, आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा हुआ है, ये देखिए। तो मैं इसे टर्न कर देती हूँ, ये अभी से क्रिस्पी दिख रही है मुझे। और मेरा जो शुगर सिरप है, उसे भी हमें सिर्फ घट होने तक कुक करना है, उसको एक तार होने तक नहीं बनाना है। यहाँ पे देखिए, जलेबी एकदम रेडी हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जलेबियों को मैं शुगर सिरप में डिप कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ, और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि आप जब भी जलेबी को शुगर सिरप में डालते हो, तो मेक श्योर कि आपका जलेबी का, सॉरी, जो शुगर सिरप है वो थोड़ा सा लाइटली गर्म हो, गुनगुना हो, ठंडे में नहीं डालना है। बस इसे मैं 2 मिनट